तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली भी मेरे पास दो डिवाइस है एंड इन दोनों डिवाइस का कंपैरिजन करने वाला हूँ। पर उससे पहले इन दोनों डिवाइस के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि यहाँ पे आजकल के टाइम पे अगर सबसे पावरफुल गेमिंग डिवाइस कह लो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे दो प्लेटफॉर्म सबसे आगे आता है। एक आता है एप्पल, एक आता है एंड्रॉयड। तो ये दोनों सबसे बड़ा कंपटीटर है। एक्चुअली मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये कंपटीटर नहीं है, ये एक्चुअली में पैरेलल लाइन है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलता है एंड दोनों का सॉफ्टवेयर अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपटीटर कहने का कुछ ऐसा मतलब बनता नहीं है। क्योंकि भाई देखो, अगर परफॉर्मेंस का बात आता है, मतलब सॉफ्टवेयर रन करने का बात आता है, हेवी टास्क बात आता है, तो यहाँ पे एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है वो एंड्रॉयड में तो चलना है नहीं, एंड एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है एप्स है वो जाके एप्पल में चलने वाला है। चाहे आप आईफोन कह लो या फिर आईपैड कह लो या फिर मैक कह लो, किसी में भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग दो तरह से देख सकते हो। एक यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस का नाम लेता हूँ, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा वर्सेस एप्पल आईपैड प्रो 12.9 2022, ऐसा कुछ आप लोग देख सकते हो। या फिर यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि 1 लाख के ऊपर सबसे पावरफुल दो ऐसा टैबलेट जो एक्चुअली में आपके लैपटॉप को या फिर पीसी को रिप्लेस कर सकता है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे पीसी को सिर्फ पीसी रिप्लेस कर सकता है, कोई टैबलेट का इतना दम है नहीं। पर एक्चुअली में यहाँ पे एक टैबलेट में जो प्रोसेसर है वो पीसी वाला प्रोसेसर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ पता चलेगा धीरे धीरे यहाँ पे क्या कितना है और कितना नहीं है, कौन कितना गहरे पानी में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त प्रणव। और इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा वर्सेस एप्पल आईपैड प्रो 2022 12.9 वाला। एक्चुअली में आईपैड प्रो का एक 11 इंच वाला भी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा के साथ, जिसका भाई खुद का डिस्प्ले साइज 14 इंच प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का बात करते हैं। भाई बिल्ड क्वालिटी में ना ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही मेटल का बैक है, मेटल का फ्रेम है, ग्लास फ्रंट है, पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा में। एंड यहाँ पे एप्पल के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है, एप्पल का जो वाईफाई वेरियंट है उसका वेट जो है वो 682 ग्राम है, एंड जो मतलब 5G वाला वेरिएंट है वो है 685। एप्पल का ये जो चीज है ना, ये मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा पर्सनली पसंद है मैं इस चीज का, एक्चुअली मैं फैन हूँ कह सकते हो। मैं एप्पल ना अपने डिवाइस में फालतू का कोई जगह बचा के नहीं रखता यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा कहा जाता है कि पानी में फेंकोगे तो बबल नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो यहाँ पे मतलब जो 5G का एक्स्ट्रा जो मॉडेम दिया गया है, सिम ट्रे दिया गया है, उसका वेट यहाँ पे थोड़ा सा जो बंप हुआ है वो भाई नजर आता है। एंड यहाँ पे एप्पल कितना स्मार्टली काम करता है वो भी नजर आता है, कितना स्मूथ काम करता है। एंड यहाँ पे अगर मतलब सैमसंग गैलेक्सी का मतलब टैब S9 अल्ट्रा का अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आपको IP68 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, वाटर एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को। तो एक टैबलेट कौन पानी में धूल में ले जाता है, खैर जो भी हो, अगर गलती से भी पानी वाली गिर जाए, कॉफी ऑफी गिर जाए, तो वो एक अलग ही प्रोटेक्शन मिलता है आपको। ये काफी प्रैक्टिकल एंड काफी ज्यादा कन्वीनियंट चीज है, मेरे को पसंद आया होगा। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे एप्पल आईपैड प्रो में आपको लिक्विड रेटिना HDR मिनी LED LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 120Hz रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिलता है, HDR10 Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिलता है, 1000 nits का टिपिकल ब्राइटनेस, 1600 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। इसका डिस्प्ले साइज ऑब्वियसली 12.9 इंच ही है। एंड अगर सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 का बात करते हैं तो डायनामिक हमें 2x देखने को मिलता है 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10 प्लस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 14.6 इंच का भाई डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा है भाई, मैसिव साइज का है, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास द्वारा प्रोटेक्टेड है। अभी अगर सॉफ्टवेयर का बात करते हैं तो एप्पल चलता है आईपैड ऑब्वियसली आईपैड OS 16.1 के साथ, एंड एंड्रॉयड वाला यहाँ पे सैमसंग जो चलता है वो एंड्रॉयड 13 के साथ 1UI 5.1 पे स्क्रीन के ऊपर चढ़ा है। अगर सॉफ्टवेयर का बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म का अगर अपडेट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों डिवाइस ही लॉन्ग टर्म के लिए ही बना है। सैमसंग भी यहाँ पे 4 साल का मेजर एंड्रॉयड अपडेट के साथ आता है, एंड एप्पल तो डेफिनेटली भाई फ्यूचरिस्टिक है कि वो अपडेट पुश करता ही रहता है अपने डिवाइस में। तो ये काफी बढ़िया बात है, दोनों डिवाइस ही एकदम प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए बन जाता है कि आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप फालतू में नहीं जाएगा। अगर चिपसेट की बात करते हैं तो आईपैड में आपको एप्पल M2 देखने को मिलता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है यहाँ पे, ग्राफिक्स GPU जो देखने को मिल जाएगा, एप्पल का GPU है 10 कोर ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और अगर सैमसंग का चिपसेट का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th generation 2.4 nanometer वाला देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पीक क्लॉक स्पीड 3.36 GHz देखने को मिलेगा। ये अलग से कस्टम फॉर गैलेक्सी है, एंड GPU आपको Adreno 740 देखने को मिल जाएगा। और अगर स्टोरेज का बात करते हैं तो यहाँ पे आईपैड में आपको
128GB प्लस 8GB देखने को मिलता है एंड वहां से लेकर 2TB प्लस 16GB तक देखने को मिलता है एंड सैमसंग गैलेक्सी में 256GB देखने को मिलता है बेस वेरिएंट प्लस 12GB एंड यहां पे आपको 1TB प्लस 16GB देखने को मिलता है। तो दोस्त अगर आपको 128GB वाला बेस वेरिएंट चाहिए तो वहां पे प्राइस कम हो जाता है, आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि S9 प्लस भी आता है, S9 अल्ट्रा भी आता है, S9 ही सिर्फ एक लौता है जहां पे आपको 128GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। और यहां पे जो है मतलब एप्पल M2 का प्रोसेसर है जो है आईपैड के साथ एंड अगर स्टोरेज हायर वेरिएंट का बात करते हैं तो 2TB है। जिन लोगों को एक्चुअल में एक प्रीमियम एंड पावरफुल टैबलेट का नीड है एंड जिन लोगों को भाई मतलब ऐसे बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होता है, उन लोगों के लिए 2TB वाला वेरिएंट है एंड यहां पे इससे बेहतर और क्या हो सकता है भाई। कैमरा का अगर बात करते हैं तो यहां पे 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, लाइडर 3D सेंसर है, 4K 60fps में यहां पे वीडियो रिकॉर्ड होता है, फ्रंट कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल 1080p 60fps में रिकॉर्ड कर सकता है एंड यहां पे अगर सैमसंग का बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 4K 60fps में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट में यहां पे आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहां पे भी वंस अगेन आप 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्त यहां पे अगर कैमरे के मामले में बात करते हैं तो S9 अल्ट्रा का कैमरा जो है वो मेरे को ज्यादा पसंद आया पर्सनली क्योंकि भाई जो फ्रंट कैमरा है वो डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है, एप्पल से भी अल्ट्रा वाइड सेंसर है, मतलब अगर आप ग्रुप वीडियो चैट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अगर आप एक क्रिएटर हो आपको मतलब नॉर्मल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर टैबलेट से करते हो तो यहाँ पे आपको उसके लिए भी काफी बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है 4K 60fps में। पर जो एप्पल वाला है उसका फ्रंट कैमरा कह लो या फिर बैक कैमरा कह लो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया, हालांकि एप्पल का वीडियोग्राफी बहुत बढ़िया है पर फिर भी भाई सैमसंग का जो S9 अल्ट्रा जो मतलब ये प्रीमियम सेगमेंट होता है वो एप्पल से किसी भी हद तक कम नहीं है भाई। तो अगर कैमरे के मामले में पॉइंट देना हो तो मैं डेफिनेटली सैमसंग के साइड में जाऊंगा। बात करते हैं बैटरी का यहाँ पे तो बैटरी आपको आईपैड में यहाँ पे 107x8mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है एंड वही आईपैड का स्टैंडर्ड चार्जर एंड यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी में आपको 11200mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विद 45W चार्जर एंड अदर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 4 देखने को मिल जाता है आईपैड में, वही आपको USB टाइप सी 3.2 वाला देखने को मिल जाता है आपको सैमसंग गैलेक्सी में, 4 स्पीकर देखने को मिलता है ट्यून्ड बाय AKG सैमसंग में, 4 स्पीकर फिर से देखने को मिल जाता है आपको आईपैड में, आईपैड को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी मिलता है एंड सैमसंग को अनलॉक करने के लिए उसका अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो दोस्त अगर दोनों डिवाइस के यहाँ पे प्राइस का बात करते हैं, जुर्माना का बात करते हैं तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो किसका प्राइस कितना है और यहाँ पे अगर आपको कौन सा वाला लेना है, आपका एक्चुअली में पसंद आया कौन सा वाला, वो आप कमेंट में बोल सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन है वो भी कमेंट में डेफिनेटली बोल सकते हो। और दोस्त अगर यहाँ पे विनर से बात करते हैं तो कौन सा वाला डिवाइस एक्चुअली में इस कंपैरिजन में जीता तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि भाई दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे दोनों का मतलब सब कुछ अलग है तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको प्रायोरिटी कौन सा है, आपका मेन प्रायोरिटी iOS है या फिर एंड्रॉयड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी पूछना है या फिर कोई भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में कर सकते हो। बस आज की वीडियो यही था, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को एक्चुअली में भाई ऐसा 1 लाख के ऊपर सबसे पावरफुल टैबलेट चाहिए।